गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज द क्लास 5th ऑफ वाद्यम पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे चैप्टर 15 एसिस्टिकल नेचुरल क्लैमिटीज एंड इमरजेंसी, मतलब नेचर द्वारा जो अचानक चीजें आती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया या फिर ड्रॉट हो गया, तो उसमें क्या इमरजेंसीज होती है उसके बारे में ये सारा चैप्टर है। सबसे फर्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक आर अ ट्रेमर इन द ग्राउंड क्रिएटेड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। क्योंकि अर्थ में क्या होता है, जो पृथ्वी है उसकी वो दो प्लेट्स पर डिपेंड है, तो जब उन प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक आता है, जो समुद्र के तल के अंदर होती है उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। जब उन प्लेट में सडनली चेंज होता है तो देखा होगा कि अर्थक्वेक में क्या होता है, जमीन इधर से उधर फट जाती है, क्रैक्स होती है, फिर जमीन हिलने लगती है, उस चीज को हम अर्थक्वेक कहते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक। सिस्मोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाई करते हैं या अर्थक्वेक के बारे में बताते हैं, उनको हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। और सिस्मोलॉजी मतलब अर्थक्वेक के बारे में की गई पढ़ाई। अब क्या होता है टी सुनामी। टी सुनामी, यहाँ पर टी साइलेंट होता है, इसको हम सिर्फ सुनामी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सुनामी भी एक अर्थक्वेक का ही रूप है, क्योंकि जब अर्थक्वेक पानी के अंदर आता है तो पानी क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और वो पानी समुद्र में मेनली अर्थक्वेक आता है, तो उससे क्या होता है कि जो पानी की जो लहरें वो पूरे जगह फैल जाती हैं और बहुत ज़्यादा सब जगह पानी पानी हो जाता है, उस चीज़ को हम सुनामी बोलते हैं। अब है नेक्स्ट है नेचुरल क्लैमिटीज में आता है, पहला था अर्थक्वेक, सुनामी, फिर आता है वॉल्केनो। क्या होता है वॉल्केनो? एक तरीके का वॉल्केनो में क्या होता है कि वॉल्केनो इज अ वेंट ऑफ फर्स्ट वेयर अ मैग्मा फ्रॉम द अर्थ हॉट इंटीरियर इमर्ज। मतलब जमीन के अंदर का जो लावा होता है, मैग्मा मतलब जो लावा होता है, वो पृथ्वी के खुलकर ऊपर के हिस्से में आता है, उस चीज को हम वॉल्केनो कहते हैं। देखा होगा जब वॉल्केनो फटता है तो उसमें से क्या होता है, लाल लाल रंग का लावा निकलता है। अब वॉल्केनो भी तीन तरीके के होते हैं, एक्टिव, एक्टिव वॉल्केनो जहाँ वो जो हमेशा फटे रहते हैं, या जिनमें से हमेशा लावा निकलता है उनको हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। डॉर्मेंट वो होते हैं जो सोए हुए होते हैं, मतलब वो फट सकते हैं लेकिन वो मतलब इतना जनरली इतनी जल्दी नहीं फटते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं या बिल्कुल खत्म हो चुके हैं या शांत हो चुके हैं वॉल्केनो, उनको हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। इसमें से क्या होता है, वॉल्केनो में से राख निकलती है और बहुत सारा धुआं निकलता है और लाल रंग का लावा निकलता है। डॉर्मेंट जो होते हैं वॉल्केनो, वो 2000 या 3000 सालों में जाकर कभी कभी वो फटते हैं। अब है लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड ज्यादातर मानसून सीजन में और हिली एरियाज में होती है, क्योंकि वहां क्या होता है, बारिश ज्यादा मात्रा में पड़ती है, तो जो चट्टाने हैं वो सरकने मतलब खिसकने लगती हैं। माउंटेन्स या वैली जो होती हैं वहां पर जो क्या बोलते हैं पहाड़ होते हैं वो खिसकने लगते हैं, वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, उस चीज को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। अब फ्लड, फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़ आना। हिंदी में फ्लड को हम क्या बोलते हैं, बाढ़। उसमें क्या होता है, जब नदियों में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है जो बांधों से छोड़ा जाता है, या फिर बारिश के मौसम में, तो सारी जगह क्या होता है, बाढ़ हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, सारी जगह पानी पानी हो जाता है। फ्लड में क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि घरों में पानी, खेतों में पानी, मतलब जो भी जगह होती है जिस जगह बाढ़ आती है वहाँ चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। इससे क्या होता है, जो मिट्टी खाने मतलब सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है, जहाँ पर भी बाढ़ आती है खेती खराब हो जाती है, जो घर होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब है नेक्स्ट नेचुरल क्लैमिटी, फ्लड के बाद होती है ड्राउट।
इसमें क्या होता है, इस नेचुरल क्लाइमेटीज में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसी जगह होती है, जैसे गुजरात में कुछ ऐसी एरिया ऐसा है जैसे कच्छ का एरिया जहाँ पर बहुत लंबे समय से बारिश नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है सूखा पड़ जाता है। जमीन में क्या होते हैं क्रैक्स आ जाते हैं, वहाँ पर खेती नहीं होती, पीने के लिए पानी नहीं होता, जानवरों के लिए भी पानी नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होता है लोग क्या होते हैं वहाँ पर मतलब पानी की कमी से लोग मरने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत ही नीचे चला जाता है, बहुत मुश्किल से पानी मिलता है। और ऐसे एरिया में ऐसे एरिया में कोई भी खेती वगैरह नहीं होती है, उस चीज को हम सूखा कहते हैं। सूखा क्या, अब आफ्टर इफेक्ट क्लाइमेटी, अब जब ये बाढ़ या फिर अर्थक्वेक या सुनामी वगैरह आती है तो उसके बाद क्या इफेक्ट्स होते हैं या क्या चीजें होती है। क्लाइमेटीज आफ्टर इफेक्ट इकोनॉमी, सबसे पहले जो जिस भी कंट्री में बाढ़ या अर्थक्वेक आता है उसकी कंट्री की इकोनॉमी और जो उसका डेवलपमेंट है उस पर फर्क पड़ता है। और काफी इसमें क्या होता है काफी सारे लोग मर भी जाते हैं, उनके घर खत्म हो जाते हैं, मतलब उनके पास ना रहने के लिए होता ना खाने के लिए, कुछ भी चीजें नहीं होती हैं। और जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती है या हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारे किसके होते हैं अंडर प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि जब कोई क्लाइमेटी आती है तो लोगों की संख्या क्या होती है घायलों की मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें क्या होता है जो वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं, और जो इंडस्ट्री एरिया है जो एग्रीकल्चर है वो भी क्या होते हैं उनपे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब है लैंडिंग अ हेल्प हैंड, अब क्या होता है उस समय कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो इस चीज की कमी को दूर करने के लिए आती है। सबसे पहला था कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ जैसे अगर कहीं आसपास बाढ़ आई तो आसपास के एरिया के लोग जो हमारे नेबर्स होते हैं या हमारे पड़ोस की स्टेट्स होती हैं वो सबसे पहले हेल्प को आती है, तो वो होती है कम्युनिटी हेल्प। अब क्या होता है कुछ एजेंसीज भी होती हैं जो इसके लिए काम करती है, जैसे होती है WHO, FAO, UNICEF, CRY, बहुत सारे रेड क्रॉस, ये सारी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों के लिए काम करती है। अब FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी खेती से रिलेटेड चीज़ें होती है उनके लिए काम करती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ के लिए जितने भी जैसे अगर कोई हेल्थ इशू होता है तो उसमें ये सबसे पहले ये चीज़ें काम करती है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन एंड फंड, ये बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करते हैं। और CRY मतलब चाइल्ड CRY मतलब चाइल्ड राइट एंड यू, मतलब जो बच्चों के जो राइट्स होते हैं उनके बारे में ये काम करती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी एजेंसीज होती है जो फ्लड ड्रॉट अर्थक्वेक इन सब में काम करती है। अब नेक्स्ट क्या आता है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, अब अगला टॉपिक है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड में क्या होता है फर्स्ट एड दैट आर गिवन टू एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम सडन इलनेस, मतलब कोई भी ह्यूमन अगर किसी को अचानक कुछ हो जाता है तो सबसे पहले उसको हम फर्स्ट एड देते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको जो उस टाइम दिया गया ट्रीटमेंट होता है उस चीज़ को हम फर्स्ट एड कहते हैं। उससे क्या होता है कि उस टाइम जो भी उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो उसको बचाने में हमें हेल्प करती है। रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, अब की क्या होते हैं रूल्स, सबसे पहले फर्स्ट एड के कुछ रूल्स होते हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप कोई सामने बंदा बीमार है तो आप सबसे पहले क्या होगा बी अ काम, मतलब बिल्कुल शांत होके फिर उस पेशेंट को, अगर उसको हार्ट प्रॉब्लम है तो उसके अगर उसके टाइट कपड़े पहने तो उसके कपड़ों को थोड़ा लूज करते, वर्क क्यूटली, और जो भी काम है आप डॉक्टर को कॉल करने के बाद या एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद जो भी आप उसका है उस पेशेंट को एकदम सीधा लिटाते हैं और उसके लिए और एयर वे, मतलब अगर आपको लगता है कि आप हिली एरिया में या कहाँ पर है तो उसी मतलब या फिर जो भी जगह है उसी मतलब उसी हिसाब से आप सबसे पहले किसी मतलब फर्स्ट एड के लिए किसी
डॉक्टर या एम्बुलेंस को कॉल करते हैं ताकि वो जो है वो जल्दी से आ सके, और उसके बाद श्योर करेंगे कि जो पेशेंट है उसके पास जो हवा है वो पूरी अच्छे से आए। चेक सी द पेशेंट, मतलब उसके बाद पेशेंट को देखेंगे कि वो प्रॉपर सांस ले रहा है या सांस लेने में उसको दिक्कत है। उसके बाद सर्कुलेशन, जैसे अगर उसने कोई टाइट कपड़ा बैग या टाई वाई पहना है तो उस चीज़ को हमको खोल देना चाहिए। अब है सम कॉमन इंजरीज एंड फर्स्ट एड टू बी प्रोवाइड, कुछ कॉमन इंजरीज होती है जिनको आप घर पे ही फर्स्ट एड करके सही हो जाती हैं। कट एंड बाउंस, जैसे अभी घर में किसी चीज़ से आपका नाइफ से या किसी ब्लेड से हाथ कट जाता है तो आप क्या करते हो, फर्स्ट एड करते हो। अगर ज़्यादा कटा है तो भी आप घर से फर्स्ट एड करके उसके बाद डॉक्टर पे जाते हो, क्योंकि उस जगह कट पर आप सैवलॉन या कोई भी एंटीसेप्टिक लगा कर पट्टी बांध देते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फर्स्ट एड होती है। देन उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाकर दोबारा उसकी पट्टी दवाइयाँ मेडिसिन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो उस टाइम प्रेजेंट में आपको घर पर दी गई चीज़ होती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। अब है नेक्स्ट है ब्लीडिंग नोज, नाक से जब खून आता है तो क्या किया जाता है, सबसे पहले जिसके नाक से खून आता है उसको चेयर पे बिठा के उसको हेड को हल्का सा ऊपर की ओर कर दिया जाता है ताकि वो जो नाक से जो खून आ रहा है वो आना रुक जाए। उससे क्या होता है कि उसको थोड़ा आराम मिलता है, उसके बाद आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो। बर्न, अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो अगर पानी से जला है मतलब किसी भी चीज़ से जला है तो उसमें सबसे पहले ठंडा पानी, अगर आग काफ़ी तेज लगी होती है तो उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं या फिर ठंडा पानी या फिर बर्फ डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस पेशेंट को हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब है जैसे कोई व्यक्ति होता है जो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब खड़े खड़े उसको चक्कर आ जाते हैं या फिर गिरकर बेहोश हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, मेक द पर्सन इट ब्राउन हार्ट, मतलब कोशिश करनी चाहिए हमें उसका हार्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जो उसका ब्लड सर्कुलेशन। डू नॉट कवर्ड अराउंड द पर्सन, मतलब देखते कि अगर किसी को चक्कर आ जाता है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो गिरा है उसको वैसे ही एयर सांस लेने में तकलीफ है, तो उसकी वजह से उसको ना पूरा खुले एरिया में रखना चाहिए और जो उसके कपड़े होते हैं उनको लूज करना चाहिए, फिर डॉक्टर तक तो डॉक्टर वगैरह आ ही जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक शॉक, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो जो मेन स्विच है उसको हमको ऑफ करना चाहिए, जो मेन स्विच है उसको ऑफ करना चाहिए। भी कभी भी जिस भी बंदे को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो उसको जाके आप सीधा टच नहीं करना चाहिए, वरना वो शॉक उसकी उसकी बॉडी से ट्रांसफर होकर आपकी बॉडी में आ जाएगा और वो शॉक आपको भी लगेगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए, उसके बाद उसको थोड़ी देर बैठना चाहिए, उसको पानी वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि, और कभी भी गीले हाथों से किसी को नहीं टच करना चाहिए। अब फ्रैक्चर होता है, अगर कोई व्यक्ति गिरता है उसकी हड्डी टूट जाती है तो उसकी जब अगर हड्डी टूटी है, चाहे मान लीजिए हाथ की हड्डी टूटी है, तो उस हाथ की हड्डी को ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे ही किसी के साथ सपोर्ट देके उसको हाथ को ऐसे ही रखना चाहिए और फिर हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जो स्टार्टिंग में किए गए ट्रीटमेंट्स होते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि नेचुरल क्लैमिटी या इमरजेंसी में आपको क्या करना चाहिए।